फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज है थर्सडे और स्केड्यूल के हिसाब से जो थर्सडे को वीडियो आती है वो आती है टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो। सो इन वीडियोस में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी ट्रिक्स बताता हूं जो आपको ग्रो करने में जल्दी हेल्प करती है और आपकी गिटार प्लेइंग को बहुत सिंपल करती है। सो अगर आप चाहते हैं इन वीडियोज को रेगुलरली देखना तो आप हर थर्सडे को इस चैनल में आ सकते हैं और इस वीडियोज को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोज नहीं लाता, गिटार म्यूजिक थ्योरी, हाउ टू रीड म्यूजिक, प्रोफेशनल स्ट्रमिंग पैटर्न, ऐसे बहुत सारे जो प्लेलिस्ट हैं दिनों के हिसाब से मेरे चैनल में चलते रहती हैं। इन सबके स्केड्यूल हैं, जैसे थर्सडे को टिप्स एंड ट्रिक्स आती है, सो मंडे को आती है आपकी म्यूजिक थ्योरी, ऐसे सबके मैंने दिन बांट रखे हैं। तो आपको हर दिन एक नई वीडियो देखने को पक्का मिलती है और वो भी स्केड्यूल वाइज। सो आपको जिस दिन जो वीडियो देखने का मन करे आप जाके देख सकते हैं। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है मेरे चैनल में, कि हमें बार कॉर्ड्स प्ले करने नहीं आते, हमें कुछ ऐसे मुश्किल कॉर्ड्स प्ले करने नहीं आते जैसे जी शार्प माइनर, सी शार्प माइनर, डी शार्प माइनर, ऐसे कुछ कॉर्ड्स जो हमसे प्ले नहीं होते, इन कॉर्ड्स को हम कैसे प्ले करें, कोई सॉल्यूशन दें, इनका कोई ऑल्टरनेटिव दें। सो वही मैं आज आपको इस लेसन में देने वाला हूँ, चाहे आपका कोई मेजर कॉर्ड हो, चाहे कोई माइनर कॉर्ड हो, चाहे कोई शार्प्स कॉर्ड हो, चाहे कोई माइनर शार्प्स कॉर्ड हो, सारे कॉर्ड्स आज आप प्ले करना सीख जाएंगे इस लेसन के एंड तक, और आपको आज के बाद उस कैपो की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप हर सॉन्ग से पहले लगाते हैं। सो लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको जो फैक्टर यूज होने वाला है जिसकी हेल्प से आज हम ये सारी कॉर्ड्स प्ले करने वाले हैं उस फैक्टर के बारे में हल्का सा बता देता हूँ, फिर हम लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज जो हम चीज यूज करने वाले हैं इन सारे कॉर्ड्स को प्ले करने के लिए उसे हम कहते हैं मेजर, जो मोबाइल कॉर्ड्स शेप्स, ठीक है। सो मोबाइल कॉर्ड्स शेप्स वो शेप्स होती हैं जिन शेप्स को अगर आप फ्रेटबोर्ड में आगे बढ़ाएं तो आपको एक नई कॉर्ड फॉर्म होकर मिलती है। जैसे अगर आप एफ कॉर्ड को एक आगे शिफ्ट करें तो बन जाता है एफ शार्प, अगर इससे आप और आगे शिफ्ट करें तो बन जाता है जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, ठीक है। सो ऐसे जो कॉर्ड्स होते हैं जो आगे बढ़ के एक नया कॉर्ड फॉर्म करते हैं उन कॉर्ड्स को हम कहते हैं मोबाइल कॉर्ड्स, ठीक है। सो सिर्फ एफ शार्प का एक कॉर्ड नहीं होता, बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जो आपको पता करने हैं, जो बहुत सिंपल शेप्स हैं और आप उनकी हेल्प से सारे कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो यही बताऊंगा आज आपको मैं लेसन में। सो एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत यूज होगी, मे बी आपने इसके बारे में सुना ना हो, बहुत बेसिक चीज है जिसे हम कहते हैं म्यूजिकल अल्फाबेट्स, ठीक है। सो अगर आपने म्यूजिकल अल्फाबेट्स के बारे में नहीं सुना तो ये वो अल्फाबेट्स होते हैं जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं पूरे गिटार में, ठीक है। सो 12 म्यूजिकल नोट्स होते हैं जिनकी कोई स्टार्टिंग नहीं होती, कोई एंडिंग नहीं होती, पर अगर हम एज्यूम करें ए से स्टार्ट करें, ठीक है, जैसे नॉर्मल अल्फाबेट्स ए से स्टार्ट होते हैं, हम इसे भी एक बार ए से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आता है ए, फिर आता है ए शार्प, फिर आता है बी, फिर आता है सी, आता है फिर सी शार्प, फिर डी, फिर डी शार्प, फिर ई, फिर एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प और वापस ए, ठीक है। सो ये ऐसे घूमते रहेगा ए के बाद वापस ए शार्प, ठीक है। सो ये रुकता नहीं है, चलते रहता है, ठीक है। सो इन्हीं के हेल्प से आपको आज कॉर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। सो ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस से आपके कॉर्ड्स बनेंगे। सो इस सीक्वेंस को कहीं पर लिख लें और ऊपर ये सीक्वेंस चलते रहेंगे, ठीक है। सो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जो सबसे पहला शेप है, सबसे सिंपल शेप, सबसे पहला शेप है डी मेजर शेप, ठीक है। सो ये भी एक मूवेबल शेप है, अगर आप इसे एक आगे शिफ्ट करें तो बन जाएगा डी शार्प, जैसे आप देख सकते हैं डी के बाद यहाँ पर डी शार्प लिखा हुआ है, वैसे डी शार्प, अगर आप डी को एक आगे शिफ्ट करें तो जी शार्प, अगर आप इसे और आगे शिफ्ट करें तो जाएगा ई, फिर एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी शार्प, फिर ए, फिर ए शार्प, फिर बी, फिर सी शार्प और वापस आपको मिल जाता है डी, ठीक है। तो आपने 12 कॉर्ड्स प्ले कर लिए सिर्फ एक सिंपल डी मेजर कॉर्ड की शेप से, ठीक है। सो बेसिकली ये कॉर्ड ज्यादा यूज नहीं होता ज्यादा आगे, क्योंकि इसमें से तीन स्ट्रिंग्स यूज होती हैं, वैसे काफी है तीन स्ट्रिंग्स जो कॉर्ड प्ले करने के लिए, बट बेस जो नोट्स है वो एक भी प्ले नहीं हो रहा, तो आपको बहुत पतली सी आवाज मिल जाती है, इसलिए कॉर्ड ज्यादा आगे यूज होता नहीं है, सिर्फ एफ तक यूज होता है, ठीक है। सो अगर आपको अभी एफ बजाने नहीं आ रहा तो आप इस फिफ्थ और सिक्स फ्रेड में ऐसे इसे डी मेजर को अगर प्ले करेंगे तो एफ ही कॉर्ड है, ठीक है। सो अगर आपको ये प्ले करना नहीं आ रहा तो आप इस जगह ये प्ले कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। सेकंड जो शेप है वो है ए शेप, जैसे आप ए ए मेजर प्ले करते होंगे, ठीक है, आपको ए मेजर प्ले करना है इन तीन फिंगर से, ठीक है। सो इन तीन फिंगर से, यानी जो आपकी तीन फिंगर है, इन तीन फिंगर से आपको ए मेजर शेप प्ले करना है और इसे आगे को शिफ्ट करना है, और जैसे आप इसको एक आगे शिफ्ट करते हैं आपकी जो याली फिंगर है, जो आपकी फ्री फिंगर है, इससे आपको यहाँ पर लगा देनी है इसको फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, ये बन गया ए शार्प कॉर्ड। तो आप देख रहे हैं ए के बाद ए शार्प आ रहा है, आप इस शेप को आगे भी शिफ्ट करते रहे आपको नए नए कॉर्ड्स मिलते रहेंगे। सो ए शार्प हो गया, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ए, फिर जो भी है ई, सॉरी एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प और ये आगे तक ए तक पूरा आ जाएगा, ठीक है। सो आप इसको बहुत आगे तो यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें चार स्ट्रिंग्स यूज है, एक बेस हल्का सा बेस नोट यूज आता है, सो ई एफ तक एक्सेप्टेबल बिल्कुल है, ठीक है। सो आप इसका जो सीक्वेंस है आप ऊपर देख सकते हैं, ए से आपको स्टार्ट करना है और आगे के बिल्कुल सेम चलते रहेंगे, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ठीक है। सो जैसे ऊपर लिखा हुआ बिल्कुल सेम, ठीक है। जो नेक्स्ट मेजर शेप है वो है एफ मेजर शेप, ठीक है। सो एफ मेजर शेप को आपको शिफ्ट करना है, जब आप एफ को एक आगे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा एफ शार्प, आप देख सकते हैं ऊपर भी बिल्कुल सेम सीरीज में चल रहा है, एफ शार्प, फिर जी शार्प, फिर ए शार्प, फिर बी, फिर सी शार्प, फिर डी शार्प, फिर वापस ई और एफ, ठीक है।
सो आप जैसे ऊपर लिखा हुआ था एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न आप जितना आगे बढ़ाते जाएंगे आपको एक एक नंबर आगे बढ़ाते जाना, आपका नैनो कॉर्ड फॉर्म होता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई सारे मेजर शेप्स की बात। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे शेप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे जी मेजर का मूवल कॉर्ड, पर ये सारे बार कॉर्ड्स में आ जाते हैं तो आपसे प्ले नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको बार कॉर्ड्स प्ले करने नहीं आते तो आपसे जी शेप बार कॉर्ड और सी शेप बार कॉर्ड्स तो बिल्कुल आप प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये मोल कॉर्ड्स बताना आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। अभी मैंने आपको तीन मेजर स्केल के जो मेजर हैं उनके मोल कॉर्ड बताएं, एफ डी और ए, आप इन तीन को यूज़ करिए। इनकी जगह आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपको कभी जी कॉर्ड प्ले करने नहीं आता तो आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, आपको कभी डी, अगर आपको जैसे सी कॉर्ड प्ले करने नहीं आता पर आपको ए कॉर्ड प्ले करना आता तो यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ढूंढिए आप अलग अलग जगह कि आप कौन सा कॉर्ड कहाँ पर प्ले कर सकते हैं, जो आपको कॉर्ड प्ले करने नहीं आता आप तीनों में ढूंढिए, आपको जो सबसे ज़्यादा सुटेबल साउंड लग रही है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं माइनर कॉर्ड्स की तरफ। सो सब जो सबसे पहला शेप माइनर में वो है ए माइनर का, देख रहा होगा आपको ए माइनर का शेप। सो आपको क्या करना है, इससे बस एक आगे शिफ्ट करना है, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछली बार, इन तीन फिंगर से आपको इन तीन फिंगर से ए माइनर पकड़ना है। ठीक है, और इसको एक आगे शिफ्ट करना, और जैसे हमने उस कॉर्ड में इस वाले फिंगर को लगाया था ऐसे इसमें भी इस वाले फिंगर को लगा देना है। तो ये बन जाएगा ए शार्प माइनर, फिर आ जाएगा बी माइनर, फिर सी माइनर, फिर सी शार्प माइनर, फिर डी माइनर, फिर डी शार्प माइनर, फिर ई माइनर, फिर एफ माइनर, फिर एफ शार्प माइनर। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे आपकी नए नए माइनर कॉर्ड्स फॉर्म होते जाएंगे, तो आप ऊपर वाले जो आपका सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से सेम चलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले ए शार्प माइनर, फिर बी, फिर सी शार्प माइनर, फिर मतलब सी, फिर सी शार्प माइनर, फिर डी, फिर डी शार्प माइनर, फिर ई, एफ, एफ शार्प माइनर, जी, डी शार्प माइनर। ठीक है, ऐसे आपका आगे बढ़ता रहेगा। फिर जो अगला आपका मेजर माइनर शेप है वो है ई शेप माइनर शेप। ठीक है, सो ये ऐसे बनता है। ठीक है, आपको इन दो फिंगर से ई माइनर पकड़ना है, इन दो फिंगर से ई माइनर पकड़ना है, इसे एक आगे शिफ्ट करना है, और आपकी जो फर्स्ट वाली फिंगर है इससे आपको पहले की तीन स्ट्रिंग में बार कर देना है, नीचे की तीन स्ट्रिंग में बार कर देना है। ठीक है, तो आप इस वाली दूसरी वाली फिंगर की हेल्प ले सकते हैं इसे पावर देने में। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप इसे आगे शिफ्ट कर देंगे आपके न्यू कॉर्ड फॉर्म उतरेंगे, जैसे ए माइनर, एफ माइनर, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, जी शार्प माइनर, ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर। ठीक है, ऐसे करके आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका दूसरा माइनर माइनर शेप, और तीसरा माइनर शेप जो है वो है ये जो था डी माइनर का शेप। ठीक है, सो आपको डी माइनर शेप पकड़ना है नॉर्मली। अब क्या करें, आपका ना जो डी माइनर में फोर्थ स्ट्रिंग है, ये वाली जो आपकी स्ट्रिंग है इसमें आप यली फिंगर रख लें और नीचे पिंकी फिंगर रख लें सेकंड स्ट्रिंग में, सेम फ्रेट। ठीक है, सो आपने सेकंड स्ट्रिंग सेकंड थर्ड फ्रेट रख रखा है, और ये वाली जो आपकी फोर्थ स्ट्रिंग है उसमें थर्ड फ्रेट रख रखा है, और नॉर्मल डी माइनर पकड़ रखा है। ठीक है, सो डी माइनर आपने पकड़ा, आप ऐसे पकड़ सकते हैं, अगर आपसे ऐसे नहीं पकड़ा रहा तो आप नॉर्मल डी माइनर भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल वाला आपने डी माइनर पकड़ा, नीचे की तीन स्ट्रिंग ही बजेंगे अगर आप नॉर्मल पकड़े हैं, अगर मैंने आपको जो वाला बताया इससे आप ऊपर की चार स्ट्रिंग पकड़ सकते हैं। ठीक है, सो आपकी मर्जी है, आप तीन वाला भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने तीन वाली स्ट्रिंग वाला पकड़ा, इसको अगर आप शिफ्ट करते हैं आपके नए कॉर्ड फॉर्म उतरेंगे, डी माइनर, ई माइनर, जो भी डी शार्प माइनर, ई माइनर, एफ माइनर, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, जी शार्प माइनर। ठीक है, ऐसे आपके नए कॉर्ड फॉर्म उतरेंगे। सो मैंने आपको तीन माइनर शेप्स बताए, तीन मेजर शेप्स बताए, आप इन तीन मेजर और तीन माइनर में आप अपने कॉर्ड्स ढूंढें, आपको कौन सी कॉर्ड प्ले करने नहीं आती थी, आपके लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल साउंड लग रही है आप उससे चेक करें, उसे प्ले करें, और आप उसे नए रियल सॉन्ग्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे मैं आपको एक सॉन्ग का एग्जांपल दे देता हूं, जैसे इस वाले सॉन्ग में लगा है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। ठीक है, सो इसमें चार कॉर्ड यूज थी, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर और ई मेजर। सो इसे मैं मोबाइल कॉर्ड से प्ले करके गाता हूँ, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल हुआ, मेरे को सिर्फ शिफ्ट करने पड़े, मेरे को ज़्यादा हाथ की जो चीज़ें थी वो चेंज नहीं करनी पड़ी, एफ शेप से जी शेप में नहीं कूदना पड़ा, जी शेप से माइनर में नहीं कूदना पड़ा, बस मेरे पास सेम कॉर्ड था, मैं इसे शिफ्ट करते रहा और मेरे न्यू कॉर्ड फॉर्म होने लगे। ऐसे ही आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे एक गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ठीक है, आपने इस सिंगल लाइन में आपने तीन कॉर्ड चेंज करी, एफ में सी मेजर से जी मेजर फिर एफ मेजर। ठीक है, पर आप इसे सिंपल कैसे कर सकते हैं, सो आपको जाना नॉर्मल ए शेप पकड़ा आपने यहाँ पे सी मेजर के लिए, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो आप देख सकते हैं, आपको अगर जी कॉर्ड प्ले करनी आती है तो आप यहाँ पर इसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ फायदे हैं मोबाइल कॉर्ड्स यूज करने के, इन कॉर्ड्स को आप यूज करके प्रोफेशनल सेमी पैटर्न में यूज कर सकते हैं, जिसके मैं लेसन देते रहता हूँ, आप यहाँ पर क्लिक मार सकते हैं उस वीडियो को देखने के लिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियोज भी मिल जाएंगी। ठीक है, सो ये थे कुछ ट्रिक जिससे आप सारे कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसे और ट्रिक्स लाते रहूंगा हर थर्सडे को। सो मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेसन में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद। आप दूसरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इनबॉक्स में क्लिक मार के, बाय।